हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से व्हाई इज द डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, वो बाकी की अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेस्ट है, कैसे बेटर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इट प्रमोट द इक्वालिटी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ना इक्वालिटी को बढ़ावा देती है, इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है। या फिर इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। या फिर इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रदूषण मुक्त वातावरण को बनाने में मदद करता है। या फिर इट प्रमोट अ इक्वालिटी अमंग द सिटीजन, जो इस कंट्री के अंदर रहने वाले सिटीजन है उनके बीच में ना इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है बेटा, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये अपने ही देश के लोगों के अंदर इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, डेफिनेशन देखो ये रही, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड देन रूल थ्रू देम। इसमें क्या होता है कि लोग अपनी सरकार को खुद से चुनते हैं और फिर उस चुनी हुई सरकार के माध्यम से खुद से रूल भी करते हैं, इसको बोला जाता है डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑप्शन 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है कि क्योंकि डेमोक्रेसी अपने देश के लोगों के बीच में इक्वालिटी को बढ़ावा देती है, इसलिए सबसे अच्छी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।